अगली खबर की तरफ हम रुक कर रहे हैं और उसके बाद फिर वैभव के पास आपके पास लिए चलेंगे। सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं, कुंभ से लौटकर आने वालों की जांच होगी, होम आइसोलेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाए, मरीजों से बात करें प्रभारी मंत्री, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की है। तेजी से फैल रहे कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में जो कोरोना संकट आया है उसको लेकर ये समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सच है कि जो लोग कुंभ में गए, भारी तादाद में काफी लोग गए, वहां पर पहुंचे अलग अलग राज्यों से, और ये भी सच है कि दमोह उपचुनाव में भी काफी लोग अलग अलग शहरों से गए हैं मध्य प्रदेश के, तो ये कुंभ से लौटने वालों पर नजर रखने की बात कही जा रही है कुल मिलाकर, लेकिन दमोह से लौटने वालों पर भी नजर रखें तो ये अच्छा ही होगा। खैर, जो कुंभ से लौटने वाले हैं अब उनकी जांच होगी, होम आइसोलेशन व्यवस्था को लेकर बताया जा रहा है कि प्रभावी तरीके से उस पर भी काम किया जाए, ये सही है। शायद इससे भी हम और सारे जो पेशेंट हैं उन्हें ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, फिर ट्रीटमेंट की व्यवस्था। बिल्कुल, सागर कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं कि जो कुंभ से व्यक्ति लौटकर वापस आ रहे हैं सागर जिले में, उनको अपने निकटतम थाने में इस बात की सूचना देना अनिवार्य है कि वो कुंभ गए थे, कुंभ में उन्होंने गंगा स्नान किया और अब वो वापस लौट आए हैं। इसके साथ ही जानकारी देने के साथ ही खुद को उन्हें होम आइसोलेशन में भी रखना होगा। सरकार के द्वारा भी इस स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जिलों के कलेक्टर से कहा गया है कि वो संबंध में आदेश निकाल लें कि जो भी कुंभ से लौटकर वापस आया है वो अपने निकटतम थाने में जानकारी दे, ताकि प्रदेश की जनता को, ताकि और जो आसपास के क्षेत्र की जनता है उनको बचाया जा सके, क्योंकि चूंकि संक्रमण की बीमारी है और कुंभ स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। हालांकि इस बार करोड़ों की संख्या में लोग नहीं पहुंचे, लेकिन इससे पहले के जो कुंभ हुए हैं उनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आस्था का महापर्व होता है जहाँ करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं, और चूंकि संक्रमण की बीमारी है तो कब कैसे किसको घेर ले पता नहीं चल सकता, इसलिए सरकार के द्वारा कोशिशें की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स को दिशा निर्देशित किया गया है कि वो अपने जिलों में इस तरह की व्यवस्था बनाए, जो भी कुंभ से लौटा है उसकी जानकारी कलेक्टर्स को महत्वपूर्ण मानते हुए, ध्यान रखते हुए भी यह कदम बहुत आवश्यक भी था बहुत पहले से ही। खैर, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। तो कुंभ से लौटने वालों की भी अब जांच होगी, सरकार की नजर उन पर भी है। सागर कलेक्टर ने तो आदेश भी निकाल दिए हैं कि जो भी कुंभ से लौटे उसको जानकारी देना, अपने आसपास की जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर अथॉरिटीज हैं उन्हें जानकारी देना कि आप कुंभ से लौटे हैं, आपको होम आइसोलेट होना, आपकी जांच होनी है, बहुत ज्यादा जरूरी था, इसे बहुत पहले से ही कर देना चाहिए था। हालांकि अब बहुत ज्यादा देर भी नहीं हुई है, तो ऐसे में क्योंकि काफी ज्यादा हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां आस्था का पर्व मनाया जा रहा था, कुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे, अब ऐसे में जब लौटे हैं तो जाहिर है कोविड काल है, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो, भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, तो संभलने के लिए यही एक चीज है कि जांच होनी चाहिए। खैर, मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी, और चलते चलते एक बार फिर मास्क जरूर पहनिए।